ये आपकी चमड़ी पर धूल को धोने के बारे में नहीं है, गहरे स्तर पर एक स्तर की शुद्धि होती है। यहाँ आपके कानों की सीध में यहाँ आप थोड़ा ठंडा पानी डाल दीजिए। जब आपकी सेल्यूलर संरचना ऊर्जा के साथ चार्ज हो जाती है तो ये बहुत लंबे समय तक युवा रहेगी। ज्यादातर भारतीय भाषाओं में आम बोलचाल में हट शब्द का अर्थ है अटल होना। ये एक गुण है जिसकी आपको जरूरत होगी। आपका शरीर कहता है बस बहुत हो गया, पर आप अड़ गए हैं। यही हठ योग है। आपका मन कहता है मैं हार मानता हूं, मैं अभी और नहीं कर सकता, पर आप अटल हैं, आप बस करते जाते हैं। तो हठ योग ऐसा शरीर बनाने के बारे में है जो व्यक्ति के जीवन में बाधा ना बने। इट विल बिकम अ स्टेपिंग स्टोन बट नॉट अ हर्डल। ये एक सीढ़ी बन जाएगा पर रुकावट नहीं बनेगा। अपनी पूरी संभावना में खिलने के लिए व्यक्ति के विकास में रुकावट नहीं बनेगा। तो सरल उपाय, मैं उपाय बताने के लिए नहीं जाना जाता। मेरी प्रतिष्ठा खराब है, पर कुछ सरल उपाय। यौगिक संस्कृति में कोई फव्वारे में नहीं नहाता था। नहाने का हमेशा मतलब था नदी में डुबकी। वे हमेशा नदी पर जाते, डुबकी लगाते और फिर योग करते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी मांसपेशियां अच्छी रहेंगी। तो इसे करने का दूसरा तरीका यह है कि आमतौर पर हमारे घरों में जिस बाल्टी से हम खुद पर पानी डालते हैं वो इतनी बड़ी होती है, उसमें कम से कम 4 लीटर पानी होता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो पूरा शरीर बस हो गया हमेशा। मेरा मतलब है, मैं महिलाओं के लिए इस पर जोर नहीं दूंगा, आपकी हेयर स्टाइल अलग होती है, पर नहाने का मतलब ये है कि पानी की पहली बाल्टी सीधा आपके सिर पर हमेशा। शरीर पर ठंडा पानी डालने से गर्मी आपके सिर में चली जाएगी बहुत तेजी से, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए जो लोग अपने बाल गीला नहीं करना चाहते उन्हें कम से कम थोड़ा ठंडा पानी लेकर अपने एक बिंदु है यहां, यहां आपके कानों की सीध में, यहां यहां आप थोड़ा ठंडा पानी डाल दीजिए। तुरंत आप देखेंगे कि सिर में एक ठंडक आ गई है। उसके बाद आप शरीर को नहला सकते हैं। पर इसके अलावा हमेशा पहली बाल्टी अपने सिर पे ही डालनी चाहिए, शरीर पर नहीं। तो आपको अपनी बाल्टी भरनी है और सुबह नहाने का ये सबसे अच्छा तरीका है। शरीर को पानी में डूबा हुआ होना चाहिए, जैसे कि आप एक डुबकी लगा रहे हैं, ठीक है। पूरा शरीर एक साथ कम से कम चमड़ी पानी में डूबी रहनी चाहिए। इस तरह नहीं, ऐसे 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 This, you know. अगर आप पानी डालते हैं तो पूरा शरीर, शरीर को लगना चाहिए कि आप उसे डुबकी लगवा रहे हैं। तो अगर आप ऐसे डालेंगे तो सिस्टम में एक ठंडक आएगी और मांसपेशियां बहुत लचीली हो जाएंगी। फव्वारे से ऐसा हो सकता है। अगर फव्वारा काफी शक्तिशाली है या कम से कम पानी की मात्रा काफी अच्छी है तो फव्वारा ये आसानी से कर सकता है। हमेशा ये सबसे अच्छा होता है कि हम उस पानी से नहाएं जो कमरे के तापमान से थोड़ा ठंडा हो। बस आप पर उडेलने के लिए कुछ पानी, या उस पानी में डूबना जो कमरे के तापमान से ठंडा हो। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो सतह पर यह होगा कि कोशिकाएं, एपिथीलियल कोशिकाएं सिकुड़ जाएंगी। जब वे सिकुड़ेंगी
तो वे सारे रोम छिद्र खोल देंगी, कोशिकाओं के बीच के छेद खुल जाएंगे। खुद कोशिकाओं के रोम छिद्र होते हैं, हम उन्हें नहीं खोलना चाहते। वे तब खुलेंगे जब आप उन्हें गर्म पानी में डालेंगे। अगर आप खुद को गर्म पानी के टब में डुबाते हैं तो कोशिकाएं खुल जाएंगी और पानी भीतर ले लेंगी। हमेशा ऐसा करना एक अच्छी चीज नहीं है। आप शरीर को ठंडे पानी में डालिए, कोशिकाएं सिकुड़ जाएंगी, उनके बीच की जगह खुल जाएगी। और योग के अभ्यास के लिए ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम शरीर के कोशिकीय ढांचे को एक अलग आयाम की ऊर्जा से चार्ज करना चाहते हैं। अगर कोशिकाएं सिकुड़ेंगी और खाली जगह बनाएंगी, तब आप योग अभ्यास कीजिए, तब शरीर का कोशिकीय ढांचा चार्ज हो चुका होगा। यही वजह है कि एक व्यक्ति दूसरे की तुलना में कहीं अधिक जीवंत लगता है। और जब आपकी सेल्युलर संरचना ऊर्जा के साथ चार्ज हो जाती है, तो यह बहुत लंबे समय तक युवा रहेगी। इसलिए कुछ लोग सोचते हैं कि कोई बूढ़ा आदमी मर क्यों नहीं रहा है, पर उस बूढ़े को अपनी उम्र 25 साल महसूस होती है। हठ योग दुनिया को निराश करने का भी एक तरीका है। इसलिए ऐसा पानी लें जो कमरे के तापमान से ठंडा हो। भारत में, दक्षिण भारत में कम से कम ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। पानी हमेशा उसी तापमान पर रहता है, ये आदर्श जगह है। पर अगर आप ठंडे देश में हैं, अगर आप समशीतोष्ण यानी टेम्परेट जलवायु में हैं, तो पानी बहुत ठंडा हो सकता है, वो ठीक नहीं होगा। पानी का तापमान कमरे के तापमान से 5 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड कम होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। अगर आपको बार बार सर्दी लग जाती है, तो शुरुआत में पहले 2 सप्ताह तक आप ठंडे पानी में 1 चम्मच नीलगिरी का तेल डाल दें और उसे अपने ऊपर उडेल लें। आप देखेंगे कि आपकी सर्दी चली जाएगी, नीलगिरी के तेल से नहीं, सिर्फ ठंडे पानी की वजह से। अगर आपको कोई इन्फेक्शन है या कुछ और है और बहुत ज्यादा कफ पैदा हो गई है, तो उसका अलग तरीके से इलाज करना जरूरी है। पर जैसा कि मैंने कहा, पानी को कमरे के तापमान से 5 से 8 डिग्री नीचे के बीच कहीं होना चाहिए, पानी बहुत ज्यादा ठंडा ना हो। अगर किसी भी तरह का मेलजोल हुआ है, किसी भी तरह का मिलना जुलना हुआ है, अगर आप भीड़ में काफी लंबे समय तक रहे हैं, तो घर जाने पर सबसे पहली चीज होनी चाहिए नहाना। आपको ये जरूर करना चाहिए। अगर दिन में 3, 4, 5 बार नहाना पड़ता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। एक साधक के लिए दिन में कई बार नहाना अच्छा है। आपको बहुत ज्यादा नहीं नहाना चाहिए, पर ऐसा समय भी था जब मैं दिन में कम से कम 5 से 7 बार नहाता था। आजकल 2 बार नहाना तो निश्चित रूप से, कभी कभी 3 बार। Two is a must for you. More is good. 2 बार तो आपके लिए जरूरी है, ज्यादा अच्छा है। किसी के साथ कोई भी शारीरिक संपर्क होता है, मान लीजिए 6 मिनट के लिए अगर आपने किसी का हाथ भी पकड़ा है, तो योग करने से पहले सबसे अच्छा होगा कि आप नहा लें। ये सफाई के लिए नहीं है, हम शरीर को साफ नहीं कर रहे, बात वो नहीं है। ये इसलिए नहीं है कि कोई अशुद्ध है और आप अपना शरीर साफ कर रहे हैं। योग आपकी ऊर्जाओं को आप में संगठित करने का एक तरीका है। तो अगर किसी तरह का मेलजोल बहुत ज्यादा हुआ है, अगर मैं आकर किसी कार्यक्रम में बैठता हूं, मैं किसी को शारीरिक रूप से छू तक नहीं रहा, अगर मैं किसी कार्यक्रम में 2-3 घंटे बैठता हूं, तो सबसे पहली चीज नहाना, क्योंकि उस मेलजोल से एक तरह से
आपकी ऊर्जा की समग्रता थोड़ी ढीली हो जाती है। तो जब भी आप घर जाएं, सबसे पहले नहाएं। नहाने का मतलब साबुन शैंपू ये वो नहीं है, पानी से भरी एक बाल्टी बूम। जस्ट वाटर फ्लोइंग ओवर, इट प्यूरिफाइज। बहता हुआ पानी शुद्ध करता है। बिना धोए और रगड़े पानी शुद्ध कैसे कर सकता है? वैसे नहीं है। आपको पता है न्यूक्लियर रिएक्टर में वे कुछ धातुओं का इस्तेमाल करते हैं, जैसे टाइटेनियम और प्लैटिनम और कुछ दूसरी चीजें भी। अगर वे इन धातुओं को शुद्ध करना चाहते हैं, वे धातुओं को शुद्धतम रूप में चाहते हैं, सामान्य प्रयोगशाला प्रक्रिया में वे एक सीमा तक ही शुद्ध कर पाते हैं, उससे परे वे शुद्ध नहीं कर पाते। तो वे ये करते हैं, उस धातु की एक रॉड और एक छल्ला बनाते हैं। छल्ले को रॉड से छुए बिना बस ऊपर नीचे घुमाते हैं। आप देखेंगे कि धातु शुद्ध हो जाएगा। तो आपके शरीर में 72% पानी है। आप बस इस पर पानी डाल दीजिए, एक तरह की शुद्धि होगी। ये आपकी चमड़ी पर लगी धूल को धोने के बारे में नहीं है, वो तो वैसे भी होगा, वो एक अलग चीज है। पर बस पानी को अपने ऊपर बहाने से गहरे स्तर पर एक तरह की शुद्धि होगी। क्या आपने देखा है? मान लीजिए आप किसी दिन बहुत तनाव में हैं, आप बस फवारे के नीचे जाकर खड़े होते हैं तो आप बाहर नहीं आना चाहते, आप बस वहां थोड़ी देर ठहरना चाहते हैं। फवारे के उन 3 या 5 मिनटों ने आपके जीवन की कोई समस्या नहीं सुलझाई, पर जब आप बाहर आते हैं तो लगता है कि परेशानी चली गई, मानो नया जन्म हो गया। क्या आपने ये देखा है? आपको महसूस होता है कि परेशानी गई। इसकी वजह यह है कि इसका 2/3 हिस्सा पानी है। अगर इस पर से पानी सिर्फ बहता है तो कुछ चीजों में बदलाव आएगा।